शते। ओम शांति शांति शांति। श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। राग की निवृत्ति केवल विवेक से नहीं होती, विवेक से तो राग द्वेष छुटकारा पाने की कुंजी मिल जाती है, उसकी पूर्ण निवृत्ति होती है भगवत प्रेम से और आत्म प्रेम से। भगवान में राग हो या आत्मा में राग हो, लौकिक राग छूटता है, लोहे बिना लोहा नहीं कटता। माने ये जगत से हमको यदि राग द्वेष को हटाना है तो केवल विवेक से काम नहीं चलता, इसके लिए हमको किसी की आधार की जरूरत है। तो रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। तो जब तक के हमारे मन को कोई उच्च वस्तु की अपेक्षा ना हो, नीचे की वस्तु नहीं छूटती। देखो, यदि आपको आपके बॉडी के वजन करने की दिमाग में बात आ गई तो अपने आप खाना कम हो जाएगा। माने जब तक के हमारे जीवन का लक्ष्य उच्च नहीं हो, और सबसे उच्च लक्ष्य क्या है, या तो अपने को जानो या तो भगवान के प्रति समर्पित हो जाओ। दोनों बातें कठिन भी है और सामान्य सरल भी है। हम सोचते हैं कि अब तो भक्ति करेंगे, बड़ा सिंपल है। भक्ति जैसी कठिन बात कोई नहीं है। भक्ति में अपने मय को समर्पित करना पड़ता है, लेकिन वहां हम जाकर के वहां हमारा मय बढ़ जाता है। मैं राम भक्त हूँ, मैं कृष्ण भक्त हूँ, मैं हनुमान जी का भगत हूँ, मैं देवी का भगत हूँ। देखो महाराज, ये अहंकार की जो मक्खी है ना, अपने घर के मक्खी के जैसे कहीं भी बैठ लेती है, कोई उसका विवेक नहीं है। मनुष्य को बुराई का भी अभिमान होता है, अच्छाई का भी अभिमान होता है, अमीरी का भी अभिमान होता है, गरीबी का भी अभिमान होता है, ज्ञान का भी अभिमान होता है, अज्ञान का भी अभिमान होता है, पढ़ा लिखा होने का भी अभिमान है और अनपढ़ होने का भी अभिमान है। इसीलिए भक्ति भक्ति जो हम कहते हैं ना, भक्ति का तात्पर्य ये है अपने आप को मिटा देना। यदि अपने आप को मिटाए तो क्या होगा, देखो जो हमारे दो सिद्धांत आपको बताए हैं, कुछ हो गया अच्छा हरि कृपा, और कुछ गड़बड़ी हो गई हरि इच्छा, तब जाकर के अपने मैं को मिटाने की प्रक्रिया है, तब जाकर के अंतकरण से राग द्वेष निकल जाता है। यदि कोई अच्छा हुआ किसी के कारण तो उसके प्रति हमारे मन में राग हो जाएगा, और यदि हमारा अच्छा नहीं होगा किसी के कारण तो उस कारण के प्रति मन में द्वेष हो जाएगा। लेकिन यदि अच्छा हो या ना हो, दोनों का कारण भगवान ही है, तो जब राग द्वेष दोनों का कारण भगवान है तो भगवान तो हमारे हृदय में बैठ गए ना। देखो, जहां भगवान है जिस स्थान में, वहां राग द्वेष नहीं हो सकता। जहां सूर्योदय है वहां अंधकार नहीं हो सकता। इसीलिए केवल विवेक विवेक लॉजिक रीजन, इसमें आदमी फंस जाता है। किस प्रयोजन से क्या बात कही है, यदि वो प्रयोजन का संदर्भ हम यदि ठीक से नहीं ले और इंटरप्रिटेशन करना शुरू कर दे तो और ही मोह के सिवा कुछ निर्माण नहीं होगा। देखो, जैसे भगवद गीता में आता है, भगवान कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अब यहाँ ये जो कहने का तात्पर्य क्या था भगवान का, यदि उस तात्पर्य को हम समझेंगे नहीं तो यही दो श्लोक जो है वो 100% गलत हो जाएंगे। देखो, जब भगवान यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवती, जिसकी ग्लानी होती है वो धर्म नहीं होता, पहली गलती। देखो, माने क्या,
अग्नि का धर्म क्या है? गर्मी। तो भगवान कहेंगे जब जब अग्नि ठंडी होगी तब मैं आ जाऊंगा, कभी संभव है ये? तो फिर जब भगवान ने ये जो कहा है, जब धर्म की ग्लानी होती है, इसका तात्पर्य क्या है? ऐसा जब हम चिंतन करेंगे तब हम शास्त्रों के मंत्रों का अर्थ ऐसा समझेंगे कि जिसके द्वारा अपना उद्धार होगा। लेकिन यदि संदर्भ को नहीं लिया कि यह भगवद गीता किस समय किसको किस कार्य के लिए बताई थी, ये संदर्भ नहीं रखा, तो ये दोनों के दोनों श्लोक जो है वो 100% गलत है। देखो, धर्म से ग्लानिर भवति, जिसकी ग्लानी होती है वो धर्म होता ही नहीं। देखो, सो यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर भवति भारत अभ्युत्थान अधर्म से, और अधर्म जब बढ़ जाता है, जब धर्म की ग्लानी हो ही नहीं सकती तो अधर्म आएगा कहां से? और यदि अधर्म आ सकता है, देखो भगवान ने ही द्वितीय अध्याय में कहा है कि जो जो है उसका अभाव नहीं हो सकता, और जो नहीं है उसका भाव नहीं हो सकता। ना सतो विद्यते भावः ना भावो विद्यते सतः। यदि धर्म है तो उसका नाश कभी नहीं होगा, और यदि अधर्म है तो उसका भी नाश नहीं होगा। यदि अधर्म नहीं है तो वो कभी होगा ही नहीं। देखो, तो जब भगवान कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, तो ये किस संदर्भ में कहा है? यदि हम संदर्भ को नहीं समझेंगे तो पूरे के पूरे पढ़ाई का सत्यानाश हो जाता है। और इसीलिए हमारे शास्त्र बताते हैं तद विज्ञानार्थम गुरु में वाविगच्छेत समित पाणि ही श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। देखो, भगवद गीता पढ़ने के लिए प्रारंभ यदि हमको उसकी साधना करनी है तो भगवद गीता का अध्ययन शुरू करना है 16वें अध्याय से, और 16 अध्याय होने के बाद फिर 17वां अध्याय, और ये 2 अध्याय होने के बाद फिर पहला अध्याय, ऐसा करके देखो, तब हम तैयार हो जाएंगे भगवद गीता के ज्ञान को लेने के लिए। तो जब बताते अवयम सत्व संशुद्धि, तो पहले अपने हृदय का निर्माण करना है, उसके साथ साथ जो हमें आसुरी संपत्ति है, काम क्रोधम बलम दर्पम, ये सबका त्याग करके करते फिर हमको समझ में आता है कि क्या करनी है क्या नहीं करनी है। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्य व्यवस्थित। तो हमारे जीवन में शास्त्र के सिद्धांत, और शास्त्र के सिद्धांत हमको कब समझ में आएंगे? तद विज्ञानार्थम गुरु में वाविगच्छेत समित पाणि ही श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। और इसीलिए ये जो पॉपुलर लेक्चर होते हैं ना बड़े बड़े महात्माओं के, जिसमें विशेष रूप से प्रश्नोत्तरी चलती है, देखो एक कोई आदमी कोई रैंडम प्रश्न पूछेगा। अब ये महात्माओं ने तो बड़ा अध्ययन किया, अपने चिंतन भी बहुत है, तो ये महात्मा जी जो वो श्लोक है या जो रेफरेंस है उसको रेफरेंस को निकाल देंगे, और फिर ऐसा घुमाते रहेंगे, और व्यक्ति को लगता है अरे रियली यार यही सत्य है। देखो, इसीलिए संतो शास्त्रों का अध्ययन अपने मर्जी से कहीं भी जाकर किसी से भी कुछ भी सुन करके करेंगे तो अपने मन में भ्रांति निर्माण हो जाती है, और फिर हम अपने आप को बड़े ज्ञानी और सबसे अलग से मानने लग जाते हैं। ऐसा कभी नहीं होना है। इसीलिए यहां भगवान कहते हैं कि यदि हमको भगवान में राग प्रेम हो तो इसका मतलब ये नहीं कि केवल घंटी बजा के रह दे, वो तो सब आवश्यक है, उसमें कोई गलत नहीं है। हाथ में माला लेना भी आवश्यक है, सर के ऊपर भी त्रिपुंड लगाना भी आवश्यक है, देखो मंदिर में जाना पूजा करना सब आवश्यक है, लेकिन इन सबका प्रयोजन क्या है? प्रयोजन यही है कि हमारे हृदय से अपने मय का निराकरण हो, तब जा करके हमारी उपासना फलित हुई। और जिसके मन से मैं निकल जाता है उसके जीवन में
राग द्वेष काम क्रोध मान अपमान लाभ हानि ये सब समाप्त हो जाते हैं। ये समाप्त हो गए, इसी को कहते हैं परमात्मा का दर्शन। इसीलिए या तो भगवान में राग हो या तो आत्मा में राग हो, यदि हमने अपने आत्मचिंतन में लग गए तो क्या होगा? आत्मचिंतन में लगना माने अनात्म चिंतन का त्याग कर देना। जब अनात्म चिंतन का त्याग करना ये आत्मचिंतन है ये समझ लिया तो अपने आप राग द्वेष काम क्रोध सब धीरे धीरे निकल जाएंगे। और जब चिंतन करने के लिए कुछ रहता ही नहीं तो जो अचिंत्य वस्तु है वो अपना स्वरूप है। बाली में जो हिंदू स्थान है वहां जितने भी हिंदुओं के मंदिर है बहुत सुंदर बनाए हैं और एक ही ऊपर में एक ऐसे लगा करके मल्टी स्टोरी और सबके ऊपर स्टोरी में एक छोटा सा कमरा होता है, वहां कोई नहीं जाता, उसको चारों दरवाजे भी बंद है, वहां किसी कोई गया भी नहीं होगा और उसका नाम है अचिंत्य। हमारे अचिंत्य भगवान वहां है। तो मैं अचिंत्य क्या है? बोले अचिंत्य माने वही जो है वो, अचिंत्य माने जिसका चिंतन नहीं हो सकता। यदि आकाश को आपको धारण करना हो, आकाश को पकड़ना हो तो कैसे पकड़ोगे? जहां वस्तु है उसको आकाश कहते हैं। बिना किसी संदर्भ से आप आकाश को ग्रहण नहीं कर पाओगे क्योंकि वह हमारे दृष्टि का विषय नहीं है। कितनी सरल बात है। इसलिए यदि आत्मा में राग हो माने आत्मचिंतन शुरू हो गया, माने अनात्म चिंतन का समापन हो गया, तो जो चिंतन रहित चिंता रहित अनुभूति है वही तो परमात्मा है। इस प्रकार से जब तक हम केवल इसी कल्पना करेंगे कि केवल विवेक से ही सब कुछ होता है तो नहीं रे बाबा, विवेक को केवल एक पहली सीढ़ी है, उसके बाद या तो भक्ति हो भगवान के प्रति समर्पण या तो अनात्म वस्तु के चिंतन का अभाव। इसी को इन्होंने कहा बिना लोहे लोहा नहीं कटता। ध्यान का मर्म बताते हुए महाराज जी कहते थे कि ध्यान के समय मुख्य रूप से अपने इष्ट स्वरूप का ही चिंतन करना चाहिए। अब देखो जो महाराज जी ने बताया है ना, ये उन्होंने किसी को अपने सामने रख करके बताया होगा, उनके सामने कोई लोग बैठे होंगे। देखो तो जिनके दिमाग में अभी भगवान को हमने अपने से अलग करके रखा है उनके लिए उन्होंने ये कहा होगा कि देखो भगवान का जो रूप है उनका जो गुणगान है उनका जो स्वरूप है उसको अपने हृदय में देखना प्रारंभ करो। देखो भक्ति की साधना में जो ध्यान की प्रक्रिया है उसमें यही कहते हैं, सामने जो आपके विग्रह है उसके जैसे भगवान के आपने चरण कमल को या उनके नाखून को देखा बड़े एकाग्रता से और फिर आंखें बंद कर ली और फिर अपने हृदय में देखा नहीं दिख रहे, फिर ट्राई करो फिर देखो नहीं दिख रहा है। अब उसमें क्या हो रहा है? जो मन दुनिया में अनेक विषयों में भटकता था उस मन को एक विषय दे दिया। तो पहली स्टेप जो है अपने मन को इधर उधर भटकने से हटाने के लिए ऐसा कोई आलंबन दिया जाए कि जिसके द्वारा मन एक आलंबन में बंधा रहे। ये हो गई ध्यान की प्रक्रिया भक्ति की दृष्टि से जिसमें भगवान को अलग समझ के रखा है। अब ये जो योग की प्रक्रिया है ध्यान की उसमें क्या कहेंगे? उसमें यही कहेंगे कि देखो आंखें बंद करके बैठो और अपने मन में एक भी चित्तवृत्ति निरोध और चित्तवृत्ति का निरोध हो जाए और उसके लिए फिर प्राणायाम करो जप करो सब करो। तो भक्ति की दृष्टि से ध्यान का तात्पर्य भगवान का स्मरण बना रहे, योग की दृष्टि से ध्यान का तात्पर्य कि ये चित्तवृत्ति निरोध हो जाए और ज्ञान की दृष्टि से ध्यान का तात्पर्य
देहात्म भाव और जीवात्म भाव, इन दोनों का निराकरण कर दो तो जो बचता है, जिसका निराकरण नहीं होता, वो परमात्मा है। अब ये तीन प्रक्रिया जो बताते हैं, वो बताते हैं अगले आदमी की जो क्षमता है उसको देख करके। तो पहले तो हमको अपनी समझनी पड़ेगी कि हम किस कक्षा में है, ये बात मालूम होती है नहीं तो फिर हम चले जाते विपासना में। देखो हमको दो चार क्या बहुत सारे विपासना के लोग मिले थे, कितने जगह, सबकी यही समस्या है, क्योंकि वहां जाकर के एकदम एकदम इतना सीरियस शुरू कर देते हैं, किसी से बोलना नहीं, उधर उधर देखना नहीं, आंखों को नीचे रखना है, चलते रहना है, बात नहीं करना। देखो ये तो ऐसा है कि तूफान है समुन्द्र पर और उसको रोकना है, चुप हो जाओ, इतने जल्दी नहीं होता। और फिर भी वो अपने जिद्दी होकर के बने रहेंगे और फिर एबनॉर्मलिटी आ जाती है। देखो इसीलिए पहले अपने आप को पहचानना है कि हम अभी देहात्म भाव में फंसे हैं, भगवान को अपने से अन्य मानते हैं, कोई बात नहीं, तो भगवान का नाम करो और पूजा पोति करो, वही ध्यान है। फिर वहां से निकले, योग में आए, तो योग में आने के बाद क्या है, योग में जो भी आप करते हैं उसमें सावधान रहो। तो भक्ति भी हो गया, उपासना में हो गया, ध्यान करो, और योग भी हो गया, सावधान रहो। देखो ये दोनों बातें हो गई तो फिर उसके बाद आते हैं ज्ञान की ध्यान की प्रक्रिया में। अब ये चिंतन करो कि क्या तुम देह और जीव हो सकते हो, तब पता चलेगा कि हमारी समस्या जो है देहात्म भाव की है। और फिर इस देहात्म भाव से निकलने के लिए हमको बताते हैं कि देखो तुम्हारे जीवन के सुख दुख जो है वो पिछले जन्म के पाप के कारण है। तो इसका मतलब क्या निकला, फिर अब हम देहात्म भाव से हट करके अपने आप को देह से अलग मानना शुरू करते हैं। फिर ये कौन है, ये जीव है। अब ये जीव मानने के पश्चात फिर और चिंतन चलता है वेदांत में, जो चिंतन बाकी जगह नहीं चलता। फिर ये जीव क्या है, तब पता चलेगा एक ही परमात्मा उपाधि के कारण अनेक प्रतीत होता है। जैसे एक ही आदमी उपाधि के कारण पुत्र पति और पिता के रूप में प्रतीत हो रहा है। तो कहां पहुंचे हम, अपने स्वरूप में पहुंचे, यह ध्यान हो गया ज्ञान के दृष्टि से। इसीलिए अपने जीवन को पूरा चलाने के लिए हमारे भगवान राम जी की जो भगत है हनुमान जी, उनका जो श्लोक बहुत सुंदर है, देह बुद्ध्या तु दासोऽस्मि, जीव बुद्ध्या त्वदंशकः, आत्म बुद्ध्या त्वमेवाहम् इति मे निश्चिता मतिः। जब मैं अपने आप को देह मानता हूं भगवान, मैं आपका सेवक हूं। तो भक्ति जो है यह सेवा के रूप में होती है। देखो उसमें किसी का तिरस्कार नहीं, जिस भक्ति में सेवा नहीं होती वह भक्ति है। फिर जीव बुद्ध्या त्वदंशकः, यदि मैं अपने आप को जब जीव समझता हूं तो मैं आपका ही अंश है। ममैव अंशो जीवलोके जीव भूत सनातनः। देखो प्रतिबिंब कहता है कि मैं बिंब की ही अभिव्यक्ति हूं दर्पण में। देखो पति कहता है मैं आदमी ही हूं, पत्नी के साथ मुझे पति कहा जाता है। देखो कितनी सरल बात है। और जब मैंने देहात्म भाव त्याग दिया, जीवात्म भाव त्याग दिया, तो फिर आत्मबुद्ध्या, जब मैंने अपने आप को स्वीकार कर लिया कि मैं कौन हूं, त्वमेव अहम्, मैं और आप ये भिन्न नहीं है। ये जो तीन ध्यान की प्रक्रिया है, इन तीनों को साथ साथ चलाना है। तो साथ साथ चलाने का तात्पर्य क्या हो गया, फिर जब हम जगत में व्यवहार करते हैं तो हमको व्यावहारिक व्यक्तित्व से चलना है। कोई बड़े आ गए तो खड़े होकर के नमस्कार करना है, उनके साथ आर्ग्यूमेंट नहीं करना, उनको अकल नहीं सिखानी। ये कई लोगों में होता है, उनको समझ में नहीं आता वो क्या कर रहे हैं। देखो हमारे जीवन में एक ऐसा
ऑल्टर होना चाहिए, एक ऐसा स्थान होना चाहिए जिसके सामने हम 100% विनम्र होकर के सच झूठ ठीक गलत ये सब त्याग दिए, तब जा करके अपना मैं खत्म होता है। लेकिन हम थोड़ा बहुत इधर उधर पढ़ लेते हैं और पढ़ने के बाद फिर दूसरे को अकल देना शुरू कर देते हैं। मुझे लगता है भगवत गीता में भगवान राम भगवान कृष्ण ने ऐसा कहना चाहिए था, हम आपको काल्पनिक नहीं बता रहे, हमको लिखते हैं पब्लिक। यदि भगवान कृष्ण ऐसा कहते तो ऐसे होता ही नहीं। तो आप भगवान कृष्ण को भी सिखाओ जाकर के। इसीलिए बड़ों के प्रति आदर का भाव हो, तब जा करके हम व्यवहार में देह बुद्धि से जी रहे हैं तो सेवा भाव होगा। जीव बुद्धिया, यदि हम अपने को जीव मानते हैं तो जैसे हमको किसी ने हमारा मान अपमान किया तो हमको दुख होता है, इसी प्रकार से हम किसी का मान अपमान ना करें क्योंकि उसको दुख होगा, तो हमारे व्यवहार में ऐसी सुंदरता आएगी कि आत्मोपमेन सर्वत्र समम पश्यति अर्जुन सुखम वा यदि वा दुखम सहयोगी परमो वतः। तो जो यो योगी है वो स्वयं को जीव मानता है और अन्य को भी जीव मानता है, और जीव के गुण धर्म समान है सबको, भूख सबको समान लगती है, प्यास समान लगती है, बाथरूम टॉयलेट समान है सबके लिए, राग द्वेष काम क्रोध समान है, सब में सामान्य है। तो जैसे हमको अपने इन गुणों से हम परेशान है, वैसे हम अन्य के गुणों में भी उनको परेशान ना करें। जीव बुद्धिया मैं आपका अंश हूं, और फिर आत्मबुद्धिया त्वमेव अहम्। और जब मैं अपने स्वरूप में बैठता हूं तो मैं अपने आप को आपसे अलग नहीं करता। तो देह बुद्धि के साथ क्रियात्मक ध्यान होता है, जीव बुद्धि के साथ भावात्मक ध्यान होता है, और आत्म बुद्धि के साथ ज्ञानात्मक या अनुभवात्मक ज्ञान होता है। तीन प्रक्रिया हो गई ध्यान की। इसीलिए यह जो ध्यान की बात है ना, ये ध्यान का मर्म बताते हुए महाराज जी कहते थे कि ध्यान के समय मुख्य रूप से अपने इष्ट के स्वरूप का ही चिंतन करना चाहिए। अब इसमें देखो, हम इसको ठीक से ना समझे तो क्या होता है, स्वामी जी मैं हमेशा जब ध्यान के लिए बैठती हूँ तो क्या हो जाता है, कभी राम का आता है, कभी कृष्ण का आता है, कभी देवी का आता है, मैं बड़ी क्या करूं, मैं किसका नाम लूं, मेरे इष्ट कौन है, ऐसी जिसकी स्थिति है उनको क्या ध्यान, उसको अल्लाह कि देखो तुम मंदिर में जाया करो, झाड़ू लगाया करो, फिर तुम्हारा सब भला हो जाएगा। इसीलिए यह ध्यान की प्रक्रिया हमको अपने आप समझना है कि हम किस कक्षा में है। अच्छा महाराज, यदि स्वरूप में चित्त स्थिर न हो तो ध्येय की लीलाओं का ही मनोराज्य करें, तो भगवान की कथा सुने और भगवान की लीला चल रही है मन में, उसी लीला का स्मरण करके वह सब। इसीलिए रासलीला देखो आप या रामलीला देखो, और ये आजकल टीवी पर मिल जाते हैं फ्री में। तो भगवान का कोई प्रसंग बड़ा सुंदर था और बड़े एकाग्र से देखा, और आप शांत बैठे हैं, उसी प्रसंग का स्मरण चिंतन चल रहा है। देखो कैसे भगवान उस कालिया नाग पर चढ़ पड़े, कैसे उन्होंने उसके फणों पर नाच करके उसको परेशान कर दिया। देखो ये जो है, ये भगवान की लीलाओं का स्मरण चिंतन करने से मन इधर उधर चीजों में भटकना बंद हो जाता है। फिर रोना हो तो इष्ट की ही लीला का चिंतन करते हुए रोए, कई लोग उनको रोने का बड़ा अच्छा लगता है। तो भगवान के जीवन में कितने कष्ट आए, उनको कितनी परेशानी हुई, या भगवान ने किसी को कैसे आशीर्वाद दिया, कैसे किसी दुख का कष्ट निवारण किया, तो ऐसे जो दुखद प्रसंग है उसको लेकर के उसका चिंतन करो और रो लो थोड़ी देर। देखो
हमको ये जो बात है ना भक्ति में होती है, ये हमको क्लिक नहीं होती, हम उस ब्रांड के ही नहीं लगता मुझे। देखो आप भागवत ले लो, रामायण ले लो, कितने कथाकार ऐसे हैं, या तो उसको संगीत में बना देंगे ताकि कथा का कोई मतलब ही नहीं, या तो दूसरे वो हो गए कि जो लोगों को रुला करके जब तक नहीं छोड़ेंगे तब तक उनकी कथा पूरी नहीं होती। खूब एकदम भाव ले आएंगे और बड़े कष्ट हो गए, ये हो गया, ऐसा हो गया, स्वयं भी रोएंगे, तौलियों की गट्ठी रखेंगे साथ में और दूसरों को भी रुलाएंगे, और फिर सुनने वाला भी कह दे आज के सत्संग में भगवत की कथा में कितना आनंद आया कि रोने को मिला, रो लो। देखो, और यदि आप एकदम मस्त रहने वाले हो, काहे को रोना है, भगवान को कुछ नहीं होता, ये भगवान की लीला चल रही है, इसीलिए रोना ही हो तो इष्ट देव की किसी लीला का चिंतन करके रोते रहो, हंसना हो तो भी उसके लीला का आश्रय लेकर ही हंसो, कितने ऑप्शन दिए देखो। तो इस सबका तात्पर्य क्या है, ध्यान कोई एक प्रकार की प्रक्रिया नहीं है, ध्यान में सब कुछ आ जाता है, क्योंकि ध्यान करते नहीं है, ध्यान दे रहे हैं। तो रामायण में राम की लीला है, भागवत में कृष्ण की, उन लीलाओं को चिंतन करना ही ध्यान है। देखो कितनी बड़ी बात हो गई, केवल चुप होकर के बुद्ध के जैसे बैठे रहना और फिर उसी में परेशान होते रहना, चित्तवृत्ति निरोध, इस चक्कर में हम अपना कितना समय और शक्ति नष्ट कर देते हैं। मन जब अनात्म भाव से हट करके परमात्मा के चरणों में लग जाता है तब वह ध्यान की प्रक्रिया है। मन जब जगत को लेकर के रिएक्शन करना और फ्रस्ट्रेट होना बंद कर देता है तब वो ध्यान की प्रक्रिया है। मन जब जगत से उपरत होकर के नींद में न जा करके अपने तत्व का चिंतन करने लग जाता है तो वो ध्यान की प्रक्रिया है। भगवान के साकार रूप का ध्यान करना हो तो पहले दोनों हाथों को घुटनों पर रखकर सुखासन में स्थिर होकर होकर बैठो, ठीक से बैठ लिए और दोनों घुटनों पर अपने दोनों हथेलियां रख दी, फिर नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि को स्थिर करें, मन आंखों को बंद नहीं करना, आंखें नासिका अग्र, ये जो हमारे नाक का ये अंतिम कोना है, यहां अपने दृष्टि को स्थिर करना, फिर मन को विषयों से विरत करें। अब महाराज जी ने तो कह तो दिया मन को विषयों से विरत करें, कहां होता है मन को विषय से विरत करें, फिर आगे पीछे की बातों का चिंतन ना करें, माने पीछे की बात का चिंतन नहीं करने का तात्पर्य क्या है, रिमेन एज नोबडी। आगे की बातों का चिंतन नहीं करना माने क्या, डोंट प्लान एनीथिंग व्हाट यू विल डू आफ्टर मेडिटेशन। ध्यान के बाद हम क्या करेंगे इसका संकल्प ना ले, और इस समय जो ध्यान में हम बैठे हैं भगवान के सामने, हम इस समय नोबडी। हो गया मन शांत, तो आगे पीछे की बातों का चिंतन न करें, फिर अपने भगवान के मनोहर अंगों में मन को घुमाए, और फिर ऐसे बैठ करके फिर भगवान के विग्रह के जो दिव्य अंग है उनके पैरों के नाखून से लेकर के सर तक के मोर पंख तक एक एक अंग का बड़ा शांति से आनंद से एकाग्रता से इसका चिंतन करे, मन वही घुमाए, क्रम क्रम से एक अंग से दूसरे अंग पर अपने चित्त को ठहराए। तो पहले हमने भगवान के चरण युगल देखा, फिर थोर ऊपर उठाए और फिर उनकी एड़ियां देखी और ऊपर उठाए, फिर उनके घुटनों में जो पीतांबर है उसको देखा, धीरे 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 तो अपने मन को एक आलंबन मिल जाएगा। मन निरालंब जब हो जाता है तो वो चैतन्य है, मन को जब अनेक आलंबन होते हैं तब वो संसारी है, और जब मन को एक आलंबन मिलता है तब वो मन परमात्मा को पहचानने का अधिकारी हो जाता है। तो इसमें भी अनेकता है,
पहले पहले को देखा, फिर एडी को देखा, तो इसमें अनेकता होते हुए भी एक की ही अनेकता है। तो वही भगवान उनके चरण युगल देखे, वही भगवान उनकी एडिया देखी, वही भगवान उनके घुटने में जो पीताम्बर है उसको देखा। तो ये अनेकता होते हुए भी हम एक का त्याग नहीं कर रहे हैं, ये ट्रेनिंग यहां हो रही है। ध्यान यही है, अनेकता के दर्शन में भी एक की हानि ना हो, यही ध्यान है। तो चरण युगल किसके? भगवान के। एडिया किसकी? भगवान की। घुटने किसके? भगवान के। कमर किसके? भगवान के। वक्षस्थल किसका? भगवान का। कंधे किसके? भगवान के। हाथ किसके? भगवान के। देखो एक एक जो अंग है वो प्रभु का है। तो हमको इस प्रक्रिया में ये ट्रेनिंग दी जाती है, अनेकता का दर्शन होते हुए भी इस एक की विस्मृति ना होवे। जैसे एक माँ जब बालक छोटा रहता है तो वो कुछ भी करती रहे, कहीं भी जाती रहे, लेकिन उसका स्मरण बच्चे के प्रति समर्पित है, पूरा रहता है। इसीलिए क्रम क्रम से एक अंग से दूसरे अंग पर जाने, अपने चित्त को ठहराए, फिर उसी को एकाग्र चित्त से देखता रहे। देखो ऐसा करते करते अपने आप ये अनेकता को त्याग करके हम एक प्रभु के रूप में आ जाते हैं। देखता रहे, इष्ट के अतिरिक्त अन्य किसी विषय का चिंतन ना करें। अब जब मन एक ही तत्व में लग गया है तो अनेक का चिंतन करने की संभावना ही नहीं है। इसलिए फिर उसको एकाग्र करके इष्ट के अतिरिक्त अन्य किसी विषय का चिंतन ना करें। प्रतिदिन इस प्रकार अभ्यास करने से थोड़े दिनों में प्रसन्नता और आनंद का आविर्भाव होने लग जाता है। देखो महाराज, इसका यदि हम अभ्यास करेंगे तो क्या होगा? थोड़े ही दिनों में प्रसन्नता और आनंदता का आविर्भाव होने लग जाता है। तो ये सब करने के पीछे, ध्यान की प्रक्रिया करने के पीछे अंतिम लक्ष्य क्या है? आनंद और प्रसन्नता। तो यदि हमको ध्यान 24 घंटे करना है या 24 घंटे ध्यान में रहना है तो हमको क्या करना है? ये दो बातें, हमेशा प्रसन्न रहो। प्रसन्न रहना माने क्या? प्रसाद बुद्धि, जो है ठीक है, हमको कोई इंप्रूवमेंट नहीं चाहिए। अभी अपना कोरोना फेस्टिवल चल रहा, ठीक है, आपको पता नहीं, मुझे इसमें मजा इसलिए आ रहा है, मेरी दौड़ा भागी बंद हो गई। कितने सालों में पहली बार मैं एक स्थान पर इतने लंबे समय तक रहा हूं और किसी ने भी आकर के मेरा सर नहीं खाया। देखो महाराज, थोड़ा बहुत होता है व्हाट्सएप में तो, लेकिन मैं उसको पढ़ता नहीं। मैं आपको स्पष्ट बता रहा हूं, जो व्हाट्सएप मेरे कार्य के नहीं होती उस व्हाट्सएप को मैं कभी पढ़ता नहीं। आप भले बढ़िया फॉरवर्ड करते रहे, बड़े ज्ञान की बातें लिखते रहे, हम नहीं पढ़ते। जैसे आता है डिलीट हो जाता है। हम केवल उसको ब्लॉक इसे नहीं करते कि आपको बुरा लगेगा, ये खामो खाम के फॉरवर्ड फॉरवर्ड फॉरवर्ड। देखो ये बात समझने की है महाराज। अच्छा, तो प्रतिदिन इस प्रकार अभ्यास करने से थोड़े दिनों में प्रसन्नता और आनंद का आविर्भाव होने लग जाता है। तो प्रसन्नता माने कोई किसी से शिकवा नहीं, किसी से गीला नहीं, मस्त रहे। जिस हाल में रखा है उस हाल में मस्त रहे, ये प्रसन्नता है। और उसके बाद आनंद, जो प्रसन्न होगा वही खुश होगा। तो प्रसन्नता बाहर प्रकट होती है और आनंद हृदयस्थ अनुभूति है। देखो कोई ऐसा कह सकता क्या, मैं बड़ा प्रसन्न हूं क्योंकि बड़ा दुखी हूं अंदर में? नहीं, आनंद ये अनुभूति है और प्रसन्नता ये इस अनुभूति की अभिव्यक्ति है। देखो
इसीलिए प्रतिदिन इस प्रकार अभ्यास करने से थोड़े दिनों में प्रसन्नता और आनंद का आविर्भाव होने लग जाता है। फिर ऐसे व्यक्ति के जीवन में दो तीन बहुत फर्क आ जाते। पहली बात, कंप्लेन करना छोड़ दो। हम लोगों के पास जिज्ञासा युक्त तो प्रश्न नहीं होते, कंप्लेन होते हैं। मेरे बच्चे नहीं मानते, मुझे ये नहीं होता, मुझे वो नहीं होता, मैं क्या करूं। देखो, संभालो अपने आप को। तो क्रमशः शरीर में स्तब्धता, रोमांच, स्वेद, कंप आदि लक्षण प्रकट होते हैं। अब देखना, ध्यान से सुनना। जब किसी शास्त्र को पढ़ाया जाता है, जैसे आप समझो मेडिकल साइंस पढ़ रहे हैं, तो उसमें सभी पढ़ाएंगे ना, हर चीज पढ़ाएंगे, लेकिन हर चीज होना आवश्यक नहीं है। इसके बारे में हम आपको उदाहरण देते हैं। एक बार हम किसी मेडिकल कॉलेज में, हमारा लेक्चर हो गया और बाद में फिर एक लड़का मुझे मिलने आया। बोले स्वामी जी, मुझे कुछ आपसे पूछना है, मेरी समस्या है। मैंने, क्या तुम डॉक्टर हो, तुम्हारी क्या समस्या हो सकती है, तुम समस्या हो सबके लिए। बोले नहीं, समस्या ये है कि मैंने सभी डिपार्टमेंट में सभी डॉक्टरों को, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को दिखाया है, वो कहते मेरे साथ कुछ प्रॉब्लम नहीं, मैं नॉर्मल हूँ, लेकिन मुझे बहुत परेशानी है अंदर में, ये लोग समझते नहीं। मैंने, क्या हो गया? बोले मुझे लगता है कि मेरे हार्ट में कुछ गड़बड़ी है। तो उन्होंने सब किया, बोले हार्ट तो नॉर्मल है आपका, तो क्या बताऊँ उनको मैं अपने अनुभव पर विश्वास रखूँ कि उनके कहे पर। हमने कहा, देखो मैं तुमको कुछ प्रश्न पूछता हूँ, उसके उत्तर दो। बोले ठीक है, आजकल तुम क्या पढ़ रहे हो? बोले आजकल हम कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पढ़ रहे हैं। तो उस सिस्टम में क्या बताते हैं कि उसके नॉर्म्स क्या है और उसके क्या क्या विकार हैं, पढ़ाते हैं ना? हाँ, ये पढ़ाते हैं, बहुत बढ़िया। और इसके क्या बात, क्या पढ़ोगे ये सिस्टम पूरी होने के पश्चात? हम इसके बाद रीनल सिस्टम पढ़ेंगे, किडनी वाली। बहुत बढ़िया, जब वो किडनी की सिस्टम शुरू हो जाएगी नहीं पढ़ना, तब तुम्हारा ये हार्ट का दर्द ठीक हो जाएगा और तुम्हारे किडनी में पत्थर हो जाएगा, और वो पत्थर तब तक रहेगा जब तक कि किडनी का अध्ययन पूरा नहीं होता। देखो, फिर तुम पढ़ोगे डाइजेस्टिव सिस्टम, तो किडनी ठीक हो जाएगी, फिर तुम्हारे पेट में दर्द होने लगेगा। माने जो हम पढ़ रहे हैं वही कल्पना कर रहे हैं अंदर में। इसी प्रकार से यहाँ जो बताया है कि फिर शरीर में क्रमशः स्तब्धता, रोमांच, स्वेद, कंप लक्षण प्रकट होते, और यदि हाथ में सामने रखा है पुस्तक, देख रहे अब क्या होता है, अभी स्तब्धता, स्तब्ध क्यों नहीं हो रहे, शरीर क्यों हिल रहा है, कुछ तो भी गड़बड़ी है। उसके बाद रोमांच, रोमांच तो हो ही नहीं रहे, पसीना आ रहा, रोमांच का हो रहे। देखो, कंप, कंप तो हो ही नहीं रहा, बड़ा कड़क हो गया शरीर। इस प्रकार से पुस्तक देख देख करके आध्यात्मिक साधना नहीं होती, नहीं तो आप फंस जाओगे इसमें। तो धैर्य पूर्वक लगे रहने से इसमें सफलता प्राप्त होती है। भगवान के स्मरण, सदाचार, निरभिमानता से भगवत कृपा मिलती है, उसमें सफलता भी मिलती है। ये सब करने का तात्पर्य क्या हो गया कि आप जो भी भक्ति की साधना में ध्यान का अभ्यास कर रहे हो, इसका सबका तात्पर्य दो शब्दों में है, प्रसन्न रहो और खुश रहो। जो व्यक्ति प्रसन्न है वो आलसी नहीं होता, जो व्यक्ति प्रसन्न है वो किसी को भी मदद करने के लिए तैयार है, जो व्यक्ति प्रसन्न है उसके लिए कोई डिफिकल्टी नहीं है। देखो, तो ये गुण यदि हमें प्रकट हो जाए तब हमारी ध्यान की, भक्ति की साधना ठीक चल रही है। नहीं तो हम अपने ध्यान की, भक्ति की साधना कर रहे हैं, सुबह 9 बजे तक 8 बजे तक पड़े हैं, अब क्या उठना, कहीं जाना तो है नहीं, तो उसी बिस्तर पर लेटे हुए हैं, वही पुराने कपड़े हैं, ना धोना है, ना वॉश करना है, ना कपड़े ठीक से पहनने हैं, क्या कहीं जाना तो है नहीं, फिर क्या करें, ना बिस्तर को अपने ठीक करना है, क्योंकि फिर लेटना ही तो है, कौन आने वाला देखने के लिए, रहन दो, अब झाड़ू क्या लगाना है घर में, कोई आने वाला तो है नहीं। देखो, ये जो आलस है ना, ये हमको सत्यानाश कर देता है।
लेकिन जो भगवान का भगत होगा, नहीं 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 सुबह तो भगवान को जगाना है, तो उठ गए, फिर भगवान को नहलाना धुलाना है तो उनको कैसे स्पर्श करें, तो फिर हम भी नहा धो करके तैयार हो गए, फिर भगवान को नहलाया, देखो आलस निद्रा खत्म हो गई। और इसीलिए सबका प्रभाव दो बातें हैं, जीवन में प्रसन्नता हो और हृदय में आनंद हो। जिसके हृदय में आनंद प्रकट हो गया वो व्यक्ति कभी भी अप्रसन्न नहीं रह सकता, फिर वो एकदम याचक दीन दरिद्री हीन इस भावना से नहीं रहता। भगवान के भक्त में दो बातें नहीं होती, एक दीनता और दूसरी हीनता। हीनता माने हमको ये नहीं है, हीनता। दीनता माने है लेकिन पर्याप्त नहीं है। इसीलिए अपने हृदय में प्रसन्नता और आनंदता आनंद आ जाए, और ऐसे फिर भगवान का स्मरण सदाचार निर्विमानता से भगवत कृपा मिलती है और उसमें सफलता भी। भगवत चिंतन होने लगता है तब जगत चिंतन स्वतः छूट जाता है। इसी को कहते हैं अपने दृष्टि में परिवर्तन आ गया। दृष्टि में परिवर्तन आने के बाद साधारण व्यक्ति को जो दिखता है उससे अन्य इस भक्त को दिखने लग जाता है। कोई भी साधक ले लो, आप भक्त लो, योगी लो या ज्ञानी लो, सब एक ही है, कोई अलग अलग नहीं है। एकम सांख्यम च योगम च यप पश्यति स पश्यति, एक ही है, कोई अलग अलग नहीं है। तो जो भक्त है उसके लिए क्या हो जाएगा कि वह भगवान के चिंतन में लगा रहेगा। माने कैसा, हर जगह उसको भगवान का ही दर्शन होगा। जो अनेक संतों की जीवन में आता है, जैसे चैतन्य महाप्रभु, आप लोगों ने उनकी जीवनी पढ़ी होगी, इसमें गीता प्रेस के इसमें आती है वो, तो उसमें पढ़ देखेंगे आप, जब वो चल रहे थे बंगाल से निकल करके वृंदावन की तरफ, बीच में कोई काला पेड़ दिखा तो उनको भगवान का स्मरण हो जाता, अरे ये तो मेरे कन्हैया का ही रंग है, तो पेड़ को ही लिपट जाते थे। माने भगवान के एक एक अंग में उनका मन इतना लगा था कि वैसा देखने के बाद केवल भगवान का ही स्मरण होता था। जैसे हम लोगों के दादा दादी नाना नानी, मुझे तो ये देख करके बड़ा मजे का विषय मिलता है मुझे देखने के लिए। एक दादा ने मुझे कहा था, स्वामी जी आप वो श्री कृष्ण का सीरियल देखे क्या? हमने कहा देखो हमने ओरिजिनल देखना देखा है, सीरियल क्या देखना है, और हमारे पास टीवी तो है नहीं और हम एक जगह रुकते भी नहीं, तो कैसे हो? बोले मैं देखता हूँ, मुझे बहुत आनंद आता है। हमने कहा नेचुरली भगवान का दर्शन होगा तो आनंद आ ही गई। बोले नहीं ऐसी बात नहीं, फिर कैसी बात है? बोले भगवान की एक एक जब लीला में देखता हो ना तो मुझे मेरे पोते की याद आती है, हो गया सत्यानाश। पोते को देख करके भगवान का स्मरण होना चाहिए, इनको भगवान को देख करके इस खोते की स्मरण आ रहे। देखो महाराज, तो भगवत चिंतन यदि होने लगेगा तो जगत का चिंतन छूट जाएगा। और दृष्टि में परिवर्तन आएगा, फिर हर जगह हमको एक मैसेज मिलेगा, यत्र यत्र मनोयाति तत्र तत्र समाधया, हर जगह में देखो हर चीज वही होती है, लेकिन उसको आपको एक नया मैसेज मिलता है क्योंकि आपके दृष्टि में परिवर्तन आ गया। कौन सा परिवर्तन? ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत, ये संपूर्ण विश्व केवल परमात्मा ही है। एक बार ये दृष्टि में परिवर्तन आ गया तो नेचुरली ये जगत के साथ कैसे व्यवहार करना है ये किसी को बताने की जरूरत नहीं और किसी से पूछने की भी जरूरत नहीं। देखो जैसे हम भगवान के विग्रह के सामने गए तो वहां जाकर के हाथ जोड़ करके आंखें बंद करके गर्दन झुका करके या साष्टांग दंडवत करना चाहिए, अपने आप आ जाता है, क्योंकि वहां पत्थर को नहीं देख रहे, अब हमारे दृष्टि में परिवर्तन आ गया है, हम भगवान को देख रहे हैं। इस प्रकार से जब हमारे दृष्टि में परिवर्तन आने शुरू हो जाता है तब समझ लेना हमारा ध्यान ठीक से चल रहा था, नहीं तो वहां यदि हम तो शैव है, हम तो
वैष्णव है। देखो ये जो अय्यंगार और अय्यर ये झगड़ा जो है ना, ये यही है। जो कट्टर अय्यंगारी होते हैं ना, वो कहेंगे नहीं जी, हम तो अपने घर में गणेश जी की मूर्ति भी नहीं रखेंगे, शिव जी की भी नहीं, देखो साईं बाबा का दर्शन नहीं करेंगे, हमको तो केवल नारायण ही चाहिए। देखो महाराज, ये जो दुराग्रह जो है, ये ज्ञान का, ये भक्ति का लक्षण नहीं है। भक्त के जीवन में दुराग्रह नहीं होता। तो जब भगवत चिंतन होने लगता है, तब जगत चिंतन सदा छूट जाता है। ध्यान का अभ्यास बढ़ने पर चित्त भगवत प्रेम में डूब जाता है, फिर हर क्षण में वही आनंद का रस हृदय में छलकने लग जाता है। यही साधना का पूर्ण पद है, यही भगवत साक्षात्कार है। लो भगवद गीता के 18वें अध्याय में भगवान ने जो कहा है, पहले उन्होंने साधना बताई, क्या क्या साधना है, मैं तुमको बुद्धि की साधना बताते हूँ। और वो बताने के बाद फिर आगे कहते हैं कि ब्रह्म भूत, माने ये साधना यदि आप करोगे तो ब्रह्म भूत, फिर आप परमात्मा स्वरूप हो गए। ब्रह्म भूत, यदि आप परमात्मा स्वरूप हो गए तो उसके लक्षण क्या है? पहला लक्षण है प्रसन्नात्मा, आपके जीवन में प्रसन्नता छलकेगी। प्रसन्नता छलके की माने पागल के जैसे हंसना नहीं, फिर ये बातें होगी। पहली बात होगी न शोचती, आप अपने भूतकाल के भूत को हमेशा के लिए निकाल दोगे अपने दिमाग से, तब जाकर के हमारे हृदय में प्रभु प्रकट हो गए। ये भी समझ लेना, भगवान का दर्शन नहीं होता, भगवान प्रकट होते हैं। दर्शन इसलिए नहीं होता कि भगवान कोई इंद्रिय मन बुद्धि के माध्यम से ग्रहण होने वाली वस्तु नहीं है, भगवान हमारा स्वरूप है, वही हृदय में प्रकट होता है। देखो स्वास्थ्य नाम की कोई वस्तु नहीं है, वही अपने जीवन में प्रकट होती है। देखो गुस्सा नाम की कोई वस्तु नहीं है कि आप गए मार्केट में, भाई एक किलो गुस्सा दे देना, मुझे जाकर के घर में बच्चों को डांटना है, नहीं, ये प्रकट होता है। देखो प्रेम, माँ बच्चे से प्रेम करती नहीं। देखो ये जो माताएं हैं ना, उनको मालूम है कि जब गर्भ में बच्चा होता है तो उसने बच्चे को देखा भी नहीं, फिर भी उसके प्रति प्रेम जागृत हो जाता है, बाहर से नहीं आता। और जब ये बच्चा पेट में बढ़ रहा है या पैदा हो गया, तो उसकी माँ या उसकी सास या जितने भी बड़ी लेडीज होगी घर की, हर चीज के उसको इंस्ट्रक्शन देते रहती, ये करो, ये मत करो, ये करो, ये मत करो, कभी ये नहीं बताती कि तुम अपने बच्चे से प्यार करो, क्योंकि प्यार होता है, वही प्रकट है। इसीलिए जो प्रेम है यह कोई वृत्ति नहीं है, लव इज नॉट ए थॉट, लव इज एन एक्सपीरियंस। देखो प्रेम शब्द में जो प्रेम प्रकट होता है वो लव में नहीं प्रकट होता। आई लव यू, थैंक यू, खल्लास। इसीलिए अभ्यास बढ़ने पर भगवत प्रेम में डूब जाता है, और साधना का यही पूर्ण है भगवत साक्षात्कार। और जिसके हृदय में भगवान प्रकट हो गए हैं, वो कभी भी कड़वाहट नहीं हो सकता। जिस जो चाय गुजराती की यहां बनी हो वो मीठी नहीं है, ये ऐसा हो ही नहीं सकता। देखो गुजराती लोग चाय में चीनी नहीं डालते, चीनी में चाय ओतते हैं। इसी प्रकार से जिसके हृदय में भगवान प्रकट हो गए हैं, उसका प्रकटीकरण जो है वो केवल प्रसन्नता से होता है। इसी को कहते हैं भगवान का साक्षात्कार। और इसके लिए हमको किसी को सिद्ध नहीं करना। देखो हमको एक जवान लड़के ने प्रश्न पूछा था, भगवान का दर्शन किया आपने, हैव यू सीन गॉड? हमने कहा हम क्यों बताएं आपको, हमारी मर्जी है,
हर चीज हर एक को नहीं बताते, लेकिन फिर भी तुम्हारे दिमाग में क्या है कि हम अपने आप को भगवान कहे या ना कहे। हमको कई लोग पूछते भी है, स्वामी जी ये जो कहते हैं भगवान सत्य साई बाबा, भगवान रमण महर्षि, भगवान नित्यानंद बाबा, इसमें आप विश्वास करते हैं क्या? हमने कहा हम आपको भी भगवान कहते हैं। हमारे हिंदी सिनेमा में एक एक्टर का नाम भी भगवान था, कहां समस्या है? भगवान का भक्त जो है सब में भगवान का ही दर्शन करता है। देखो कामी ही नारी प्यारी जिमी नो भी ही प्रिय जिमीदा, जैसे पैसे के पीछे जो लोभी है वो हर जगह जाएगा तो यही चिंतन करेगा यहां कैसे पैसे कमाया जा सकता है, इन्वेस्टमेंट हो सकती है क्या, अभी इतना खरीद करके बाद में बेच देंगे तो कितना प्रॉफिट होगा, वो दूसरा कोई सोच ही नहीं सकता। यहां तक कि अध्यात्म भी यही धंधा चलता है क्योंकि पैसा उनकी जीवन में महत्व का है। देखो एक बार अपने बम्बई की बात है, हमको एक मिलने के लिए सज्जन आए थे, वहां प्रेमपुरी में हमारा सत्संग चल रहा था। सब होने के बाद वो आए, बड़े अच्छे टिपिकल यू नो अमीरी वाले जो लोग होते ना, कड़क कड़क कपड़े सफेद, उनके साथ एक कोई नौकर था, इतना बड़ा फलों का पेटारा लेकर के आए, महाराज जी महाराज जी रख दो बाबा। तो मैंने वो फल सबको उसी समय बांट दिए, फिर इतना बड़ा पुष्पों का हार ले आए, वो बोली पहन आया, वो देख कर फिर उसको निकाल दिया। फिर बोले महाराज जी हमारे सेठ जी ने आप कहा है कि आप हमको आप हमारे यहाँ आकर के कथा करिए। हाँ ठीक है आएंगे। बोले इसके बारे में हमको कुछ पूछना है, तो आपके सेक्रेटरी कौन है? उस दिन मुझे पता चला कि महात्माओं के सेक्रेटरी होते हैं। देखो कितनी महत्व की बात है महाराज, ये कोई सीईओ है क्या, कोई मल्टीनेशनल कंपनी का सेक्रेटरी होता है? तो हमने कहा कि हमारा सेक्रेटरी द्वारका में है। बोले कैसे पहचानेंगे? हमने कहा उसका नाम है एसवी यादव, उससे मिल लेना। बोले उसकी पहचान क्या है? तो बाकी के लोग खड़े थे, उनको समझ में आ गया, वो हंसने लग गए। बोले उसकी पहचान ये है, उसका नाम है श्री कृष्ण वसुदेव यादव। मराठी और गुजराती लोगों में अपने पिता का नाम लेने रखने अपने नाम में इंक्लूड करने की प्रक्रिया है, क्योंकि उनको मालूम होता है बाप का नाम। तो नहीं 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 महाराज ऐसे नहीं, बताइए मुझे ये पूछना है कि आप कितना लेते हैं सत्संग के लिए, इसलिए पूछ रहा था मैं ना। ऐसे मैंने पूछो डायरेक्टली, नाले हमारा रेट ये है 1 घंटे का 1 करोड़ रुपए, माने ये जो भगवत कथा होती है रामायण होता है, ना तो भगवान के लिए है, ना तो कथा के लिए है, ना तो भक्तों के लिए है, ये है फंड रेजिंग रामायण कथा। भागवत में आता है कलयुग में ऐसे ही होने वाला है, वो हो रहा है। इसलिए जहां भगवान की कथा पैसे पैसे के लिए होती है, वह भगवान की कथा नहीं, वो पैसे की कथा है, यजमान की कथा है। हमको हमारे स्वामी अखंडानंद जी महाराज के प्रति जो सहज आकर्षण है उसका यही एक कारण है। महाराज जी ने जिंदगी में कभी भी वो उस व्यासपीठ पर नहीं बैठे जहां पैसे की बात हो रही हो, कभी नहीं। तो क्या वो स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल नहीं बना सकते थे? उनके पीछे तो करोड़ों लोग लगे हुए थे। देखो ये जो कानपुर में जेके जी का मंदिर है, जेके टायर वाले, ऐसे ऐसे उनके भगत रहे हैं, क्या वो स्कूल कॉलेज नहीं चला सकते थे? देखो महाराज भगवत कथा केवल भगवान के लिए, इसीलिए कहते हैं कि साधना का पूर्ण पद यही है कि भगवत साक्षात्कार। तो यदि हम
अध्यात्म के मार्ग पर चल रहे हैं तो प्रसन्न आत्मा। और यदि आपको कुछ करना है और वो करने में बाधा आ गई तो जिसके कारण बाधा आ गई है उसके प्रति द्वेष होगा, और जिसके कारण उसमें सफलता हो रही है उसके प्रति आकर्षण होगा। देखो आप चले जाइए किसी भी आश्रम में, वहां जो वहां के यजमान नित्य निरंतर उनको दान धर्म करते रहते हैं, उन यजमानों को उन सेठ लोगों को उस आश्रम में एक विशेष आतिथ्य के रूप में स्वीकार किया जाता है, और वहां के जितने भी स्वामी हैं या जो भी ब्रह्मचारी है सब उनकी सेवा में लग जाते हैं। क्योंकि लक्ष्मी को संतो इन सब से अपने आप को बचाना है, ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा, फिर न शोचति, फिर अपने भूतकाल को हटा दो हमेशा के लिए। क्योंकि जिसको हम ईगो ईगो कहते हैं ना, ईगो इसी को कहते हैं, जो हमने अपने भूतकाल का संग्रह और संबंध इसका बोझा सर के ऊपर रखा है और फिर झुक झुक के चल रहे हैं, उसी को कहते ईगो। ईगो माने इट मस्ट गो। इसलिए न शोचती न कांक्षती, फिर ये क्या होना है कि आपके दिमाग में कोई भी एक भी कोई अपेक्षा हो भविष्य को लेकर के आप प्रसन्न नहीं रह सकते। कितनी सरल बात है। तात्पर्य क्या होगा, प्रसन्न आत्मा माने आप 100% वर्तमान में रह रहे हो, क्योंकि आपने भूत को दफना दिया है भविष्य को जन्म नहीं दिया, तो फिर कहाँ हो, वर्तमान में हो। जो वर्तमान में होता है वही प्रसन्न रहता है, जो प्रसन्न है उसी के हृदय में भगवान वर्तमान है। देखो भगवान केवल सत्ता मात्र है, भगवान चिन्मय सत्ता है, भगवान सच्चिदानंद है, यह प्रकट होते हैं, प्राप्त नहीं होते। जैसे बिजली बल्ब में प्रकाश रूप से प्रकट होती है, हर जगह नहीं प्रकट होगी, एक योग्य उपकरण में ही। इसी प्रकार से परमात्मा भी ढूंढ रहे हैं ऐसा कोई स्थान कि जहां वो प्रकट हो सके। तो जितनी साधना है ये अपने आप को इतना लायक बनावे कि भगवान स्वयं होकर के हमारे हृदय में प्रकट हो जाए, इस प्रक्रिया को कहते ध्यान की प्रक्रिया। और यदि ये ध्यान हमारा सफल हो रहा हो तो उसके दो लक्षण है, ब्रह्म भूत प्रसन्न आत्मा, न शोचति न कांक्षति। प्रसन्न रहो तो हमेशा वर्तमान में रहो। ध्यान से सुनना, हम यदि खुश अब है यहां है तो हम हमेशा खुश रहेंगे। और यदि हमारी कल्पना ये है ये होने के बाद हम खुश होंगे, वहां जाने के बाद हम खुश होंगे, उस समय हम खुश होंगे, तो हमने क्या किया है, हमने ही अपने ही स्वेच्छा से अपने खुशी को भिन्न देश में भिन्न काल में और भिन्न परिस्थिति में ढकेल दिया है। जो यहां खुश है, जो अब खुश है, और जो इस कोरोना के लॉकडाउन में खुश है, उसको भगवान भी दुखी नहीं कर सकता। देखो महाराज, ब्रह्म भूत प्रसन्न आत्मा न शोचति न कांक्षति। तो भगवान की प्राप्ति, भगवान का अनुभव, ध्यान की परिपूर्णता और ध्यान का जो अंतिम पड़ाव है वो यही है। इसी को कहते हैं भगवत भगवान का साक्षात्कार। महाराज जी ज्ञान और भक्ति की चर्चा चलने पर कहते हैं कि ज्ञान का अधिकारी होता है अत्यंत वैराग्यवान। जिसके हृदय में वैराग्य नहीं है वो व्यक्ति ज्ञान का अधिकारी नहीं हो सकता। निर्बल बुद्धि वाला साधक भक्ति का अधिकारी होता है। तो दो प्रकार की बुद्धि हो गई,
एक है वैराग्य प्रधान और दूसरा है निर्मल, उसमें कोई मल नहीं है। और ये दो शब्दों का जो महाराज जी ने प्रयोग किया है उस पर चिंतन हम कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम शांति शांति।